न्यूज 24 में आपका स्वागत है। तहसील गरौठा में लेखपाल संघ ने उच्च अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला। तहसील गरौठा प्रांगण में जमकर की नारेबाजी। तहसील दिवस में जिलाधिकारी झांसी ने कार्य में शिथिलता की वजह से दो लेखपाल का किया था निलंबन। लेखपालों पर हुई कार्रवाई से लेखपाल संघ असंतुष्ट। उच्च अधिकारियों पर बगैर जाँच के निलंबन के लगाए आरोप। तहसील गरौठा प्रांगण में किया धरना प्रदर्शन। उप जिलाधिकारी गरौठा के माध्यम से जिलाधिकारी झांसी के नाम दिया ज्ञापन। जगत न्यूज 24 के लिए गरौठा से अनिल कुमार शर्मा की रिपोर्ट। क्या मामला है यार, तहसील में धरना प्रदर्शन हो रहा है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह यादव, मैं लेखपाल हूँ तहसील गरौठा में और गुड़सराय में हूँ इस समय, और तहसील लेखपाल संघ का तहसील उपाध्यक्ष हूँ मैं। मामला ये है कि अभी जिलाधिकारी महोदय आए थे तहसील दिवस में, और इस समय तहसील में IGRS को लेकर जो शिकायतें आती हैं, शिकायत निस्तारण को लेकर के उन्होंने हमारे दो लेखपाल साथियों का निलंबन कर दिया गया है कहा था, और उसमें ये कहा था कि जांच करके इनका कार्रवाई की जाए, लेकिन बिना जांच किए ही निलंबन कर दिया गया है, और जिससे हम लोग काफ़ी आहत हैं क्योंकि कार्य की अधिकता है, काफ़ी कार्य किया जा रहा है। और इस समय सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस समय तहसील ने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और प्रदेश में भी हमारी रैंकिंग IGRS में सुधरी है, और इसके बावजूद IGRS के क्षेत्र में अगर हम पर कार्रवाई की जा रही है तो ये काफ़ी दुखद है। जांच की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? जांच की जिम्मेदारी तहसीलदार महोदय को, SDM महोदय को दी जाती है, उन्हीं को दी गई थी, कहा गया था जाँच करके उनकी कार्रवाई की जाए, बगैर जाँच के निलंबन कर दिया गया। जाँच तो कोई ऐसी हुई नहीं है, और जिन शिकायतों की हुई है उन शिकायतों से हम परिचित हैं, और वो शिकायतें ऐसी नहीं थी कि उसमें कार्रवाई की जा सके, और उनमें जो कब्जे की शिकायतें थी हम लोगों द्वारा कब्जा हटवाया जा चुका था, और इनका अधिकारियों का कहना था आपने उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं कराई, क्योंकि कब्जा ऐसा उन्होंने जो किया था स्थायी कब्जा नहीं था, अस्थायी कब्जा था, जहाँ खड़ादी लगा के अस्थायी कब्जा किया गया था। तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति पर जो हो सकता है उसको जानकारी भी ना हो कि यहाँ सरकारी है या कैसी भूमि है, तो उन्होंने कब्जा किया था, तो हमने नाप करके और IGRS कब्जा हटवा दिया था उनका। ऐसी स्थिति में मान ये देख सोचते हुए कि इन पर FIR ना कराई जाए, और जब उन्होंने स्वतः से अपनी इच्छा से कब्जा छोड़ दिया, तो ऐसी स्थिति में हमने FIR नहीं किया। इसी से नाराज होकर अधिकारियों ने फिर ये कार्रवाई की। क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं हमारे निलंबन वापस हो, और जो FIR की समस्या है ये गरीब जनता पे ऐसे ही छोटे छोटे कब्जों पर हमें FIR का आदेश ना हो, क्योंकि किसी पर FIR कराने से हमको भी दिक्कत होती है, उनको भी दिक्कत होती है। हम चाहते हैं किसी पर FIR ना हो। हाँ, अगर उनका कब्जा है तो हम कब्जा मुक्त कराना हमारा काम है, हम कब्जा मुक्त कराएंगे, और जनता से भी अपील करते हैं कि आप सरकारी ज़मीनों पर कब्जा ना करें और कब्जा छोड़ें, और यही हमारा प्रयास रहता है। हम तहसील अध्यक्ष गरौठा जी रविंद्र मिश्रा बोल रहे हैं। ये आज धरना प्रदर्शन का क्या उद्देश्य था, क्या मामला है? धरना उद्देश्य केवल इतना है कि हमारे दो साथी जो समाधान दिवस में निलंबित किए गए हैं उनकी गलती भी नहीं है। एक्चुअल में जो समस्याएं थी उनका निस्तारण हो चुका था, और जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था वो संतुष्ट भी थे। इसके बावजूद भी DM साहब ने अपने मुखारबिंदु से भी ये कहा भी था कि इनकी जांच करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो जांच भी नहीं की गई और निलंबित भी कर दिया गया। हम लोग चाहते हैं कि इनको साकुशल बहाल किया जाए, अपना जांच करवाना चाहते हैं। जांच नहीं, जांच तो भाई जिन आप जैसे कह रहे हैं कि जांच नहीं की गई, तो जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी गई थी दोबारा भी जांच करके एक बार पुनर्विचार भी तो कर सकते हैं। विभागीय कार्रवाई जो चालू होगी उसमें जाँच तो होगी, होगी बाद में, तो जांच तो अब होना ही होना है, लेकिन जो पहले जांच होके करना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्या नाम भैया आपका? अशित कुमार। अच्छा, क्या मामला है? धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कार्रवाई हुई है? जिलाधिकारी महोदय मेरा क्षेत्र मोती कटरा पर तैनात है, एक IGRS 3 बार फीडबैक में आया था, उसकी जरूरत 3 महीने पहले, उसके बाद अभी समीक्षा की थी जिले स्तर पर, तो उन्होंने स्पेशली बुलाया था, कोई शिकायतकर्ता नहीं था, IGRS रिपीट होने के कारण, तो हमने पूछा कि इसके खिलाफ FIR कराई या नहीं कराई, जबकि जो व्यक्ति था तो वो उसका निस्तार तो कर चुके थे पहले ही, और वो बहुत गरीब व्यक्ति था, मुझे बोले FIR कराई या नहीं कराई, मैंने मना किया, सर निस्तार हो चुका है, FIR तो नहीं कराई, तो हमने सस्पेंड का आदेश कर दिया। हमने पिछले एक महीने में इस तहसील में किस विभाग की अधिकतम शिकायतें आई,
उनका समीक्षा किया, कुछ दो तीन विभाग थे, उसमें से भी हमने ये देखा है कि किस गांव से सबसे ज़्यादा रिपीटेड शिकायत है। उसके आधार पे एसएसपी साहब ने पुलिस विभाग से संबंधित समीक्षा की है। ग्राम विकास विभाग में हमने दो गांव में वीडियो साहब को बताया है कि जांच करवाएं, और राजस्व विभाग में सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा होने के बावजूद भी लेखपाल द्वारा पूरी कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए दो को निलंबित भी किया गया है। अन्य विभाग से संबंधित जो भी शिकायतें थी तो उनके विभाग के। मेरा नाम महावीर है, वर्तमान में मैं अभी गरौठा खुर्द पर तैनात हूँ। थोड़ा तेज पूर्व में जैसे कि बताया गया ऊपर में कि जिलाधिकारी महोदय का दर्शन दिवस था, उनके द्वारा IGRS का फीडबैक लेके आए थे। तो पूर्व में जब मैं क्षेत्र में था, सिंगार पे था, उसमें तीन बार पांच बार असंतोष दिखाया था संतोष ने। जब मैं मौके पर भूमि देखने गया था तो मौके पर भूमि खाली थी, ठीक है, और प्रार्थी संतुष्ट भी था। अब पुनः असंतुष्ट हो गया, असंतुष्ट होने का कारण ये रहा कि प्रार्थी के चाचा द्वारा कॉल उठाया गया, जब फीडबैक मांगा जा रहा था, उनके द्वारा कहा गया कि भाई कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि जो प्रार्थी था वो पहले से अवगत था। इसके संबंध में आप जैसे कि मैंने उससे पूछा कि आपने असंतुष्ट क्यों दिखाया, तो कह रहा गलती हो गई, मतलब मैं संतुष्ट हूँ, और वो ये बार बार भी कह रहा है, अभी भी कह रहा है इस संबंध में। और उन्होंने ये कहा था कि जांच कर आप इन पर कार्रवाई करें, और महोदय द्वारा कोई।